हेलो दोस्तों, हमारे पास अपाचे RTR 160 आई हुई है। तो इसमें जब इसके ब्रेक दबाते हैं, यानी कि डिस्प्ले के अगले वाले, तो ये लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, यानी कि थोड़ा जाम चलता है। ब्रेक दबाने पर थोड़े ब्रेक दबे रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों 10 नंबर के बोल्टों को खोलना है। और इन दोनों बोल्टों को खोलने के बाद इसका जो डिस्प्ले सिलेंडर है, तो हमें मास्टर सिलेंडर भी बोलते हैं, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसके पूरे मास्टर सिलेंडर को बाहर निकाल कर उसे साफ़ करके लगा देते हैं, लेकिन हमें ये खोलना नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो हमें क्या करना है, इस रबड़ के अंदर एक इंजेक्शन में .3 ऑयल ले लेना है और उस सिरिंज को इसके अंदर लगा देंगे और हमें इसके अंदर ऑयल डाल देना है। जैसे ही हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको हल्का सा इसे चला देंगे लीवर को, तो जो भी ऑयल है वो इसके अंदर अच्छे से चल जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करके वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।